हेलो एवरीवन, आई एम निखिल पांडे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेशन वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3, दैट इज लॉग ऑन टू एमएस एक्सेल 2007। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर विथ पार्ट 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड टिल एक्टिव सेल। सो इन टुडेज सेशन वी विल स्टार्ट विथ name box। okay, so name box, it is located above the column heading on the left side of the window। this area display the location of the cell pointer। so this one is the name box। here you will see A4। what is A4? A is the column and 4 is the row, so it mention the address of the cell वेयर यू आर वर्किंग। ओके, तो आप जिस सेल में होंगे वहां की लोकेशन ये बताएगा आपको। नाउ फॉर्मूला बार, इट इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। दिस बार शो द करेक्टर एंड फॉर्मूला दैट यू एंटर इन एन एक्टिव सेल। सो दिस बॉक्स, द राइट हैंड साइड ऑफ द नेम बॉक्स इज कॉल्ड फॉर्मूला बॉक्स। ओके, तो ये बॉक्स क्या करता है, आपको जो भी करेक्टर या फॉर्मूलास आप एंटर करते हो सेल में वो सारे यहाँ पे अपीयर होते हैं। ओके, तो जो भी आप फॉर्मूलास या करेक्टर्स एंटर करते हो सेल में वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होते जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कॉलम हेडिंग। अल्फ़ाबेट अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम हेडिंग। तो जो अल्फ़ाबेट दिखते हैं आपको वर्कशीट पर ऊपर, उसे आप क्या कहते हो, कॉलम हेडिंग। दिस हेडिंग आइडेंटिफाई कॉलम विथ लेटर्स ए टू जेड। तो जो आपकी हेडिंग्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ए बी सी डी अप टिल जेड। जैसे ही आपका जेड एंड हो जाता तो सेकेंड जो चालू होता कैसे, ए, फिर सेकेंड चालू होती ए थ्रू ए जेड एंड अप टू एक्स एफ डी फॉर अ टोटल ऑफ 16384 कॉलम्स। टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, तो टोटल कॉलम्स होते हैं 16384, जो आपको याद रखना है। सो टोटल कॉलम्स इन एनी वर्कशीट कितने होते हैं, 16384। ओके, नाउ नेक्स्ट रो हेडिंग। हमने कॉलम हेडिंग समझी, अब रो हेडिंग। तो रो हेडिंग आर द नंबर मार्ड एस 1 थ्रू 1048576 अलॉन्ग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द वर्कशीट। तो लेफ्ट बॉर्डर मतलब ये इस साइड का जो पोर्शन होता है इसे आप क्या कहते हो, लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, तो लेफ्ट बॉर्डर में जो चीज़ें होती हैं वो मार्क्ड होती हैं 1, 2, 3 ऐसे नंबर से। टोटल रोज कितने होते हैं, 10,48,576। तो टोटल रो कितने होते, 10,48,576। कॉलम की बात की थी 16384, बट जब आपको रो पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 10,48,576। ओके, देयर वाज अ मिस्टेक, 10,48,576। नाउ स्टेटस बार, द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। इट गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट सेलेक्शन। इट इंक्लूड द नेम ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड कमांड और करेंट एक्टिविटी। इट ऑल्सो डिस्प्लेड वार्निंग मैसेज। सो स्टेटस बार आपको एक्सेल विंडो के नीचे मिलता है। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है करेंट सेलेक्शन की। देन आपने जो भी करेंटली कमांड सेलेक्ट की है उसे भी ये बताता है। ठीक है, और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसे भी ये दिखाता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले वार्निंग मैसेज। इफ एज सच देयर इज एनी वार्निंग मैसेज, तो ये भी हमें स्टेटस बार में मिलते हैं। ओके, नाउ सी टैब, द सी टैब अपेयर अबव द स्टेटस बार। तो सी टैब जो होता है वो स्टेटस बार के ऊपर होता है, जस्ट ऊपर होता है। दे आर नंबर्ड एज सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। तो आपको वहाँ पे 3 सीट दी जाती हैं डिफॉल्ट में। क्या होते हैं उनके नंबर, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। ऑन क्लिकिंग अ पर्टिकुलर सीट टैब डेट वर्कशीट बिकम्स द एक्टिव वर्कशीट। तो आप जिस सीट टैब में क्लिक करेंगे, चाहे वो सीट 1 हो, सीट 2 हो या सीट 3, आप जिसमें भी क्लिक करेंगे आप क्या करोगे, उस वर्कशीट पर आप एक्टिव हो जाओगे। यू कैन ऐड अ नंबर ऑफ वर्कशीट इन अ वर्क बुक अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब आप सीट 3 तक सीमित नहीं हो, आप चाहो तो आप और भी सीट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, ऐड
अ नंबर करके यू कैन ऐड अ नंबर ऑफ वर्कशीट, मीन्स आप जितनी चाहें उतनी वर्कशीट ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो द नेक्स्ट वन, नाउ एंटरिंग डेटा. नाउ हाउ विल यू एंटर अ डेटा इन अ वर्कशीट? To input a data in a worksheet, you have to move the cell pointer from one cell to another with the help of various keys defined here. So, अगर आपको कोई भी data input करना worksheet पे, तो आपको cell pointer को move करना पड़ेगा one cell से another पे. कैसे? With the help of a keys or with the help of your keyboard. तो आपकी जो ये वाली key होती है to move one column right, तो आप राइट कॉलम में मूव कर सको, उसके लिए यूज होती है. देन द नेक्स्ट की जो आपकी ये वाली होती है कीबोर्ड में, टू मूव वन कॉलम लेफ्ट. ओके, ऐसे ही आपकी एक होती है टॉप एरो की, टू मूव वन रो अप, तो आप एक रो ऊपर चले जाते हो. देन टू मूव वन रो डाउन यू यूज दिस की. सो इन दिस वे यू यूज दिस कीज इन योर कीबोर्ड. नाउ पेज अप. टू मूव वन स्क्रीन अप, तो पेज अप करके आप क्या करते हो, एक स्क्रीन ऊपर चले जाते हो. पेज डाउन. टू मूव वन स्क्रीन डाउन. टू मूव वन स्क्रीन डाउन. देन कंट्रोल प्लस होम. टू मूव द फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रो. टू मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रो. तो कंट्रोल प्लस होम का यूज करके आप क्या करते हो, आप सबसे फर्स्ट में चले जाते हो. कहाँ पे? टू मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रो, तो सबसे फर्स्ट सेल में चले जाते हो. ठीक है. कंट्रोल प्लस एंड. टू मूव टू द लास्ट यूज सेल ऑफ स्प्रेडशीट, तो जहां तक आपने स्प्रेडशीट को यूज किया है वहां के लास्ट यूज सेल में आप चले जाते हो विद द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एंड. ओके, तो ये सब आपको मैं विथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में जब हम एक्टिविटी करेंगे. ओके, नाउ क्रिएट द वर्कशीट एज शोन इन द फिगर 3.3. तो आपको एक वर्कशीट बनानी है जैसी इस फिगर में दी हुई है 3.3, दैट वी आर गोइंग टू डू इन एक्टिविटी. बट हमको थ्योरी भी बननी चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दिया है. क्रिएट द वर्कशीट एज शोन इन द फिगर 3.3. ओपन अ न्यू वर्कबुक. टू ओपन अ न्यू वर्कबुक, आपको ओपन अ न्यू वर्कबुक आता है. शीट वन इज द एक्टिव वर्कशीट. जैसे ही आप ओपन करेंगे तो शीट वन आपकी एक्टिव वर्कशीट होगी वहां पर. क्लिक ऑन द सेल D1. वेयर इज D1? सो दिस वन इज D, एंड वेयर इज द एड्रेस 1? दिस वन इज 1. तो आपको D1 में क्लिक करना है. D1 आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा. देन टाइप वीकली एक्सपेंस, और आपको वहां पर टाइप करना है वीकली एक्सपेंस. देन हाईलाइट द सेल D1 एंड D2. वॉट यू विल डू, आप हाईलाइट करोगे सेल D1 और D2 को. क्या करोगे? D1 D2 को हाईलाइट. अब D1 ये है, उसके नीचे एक और सेल दिया है वेडनेसडे, इसको भी आप क्या कर लोगे, हाईलाइट. तो इस तरीके से हाईलाइट कर लो. क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब. तो अब आप मर्ज और सेंटर बटन में क्लिक करके चीजों को मर्ज भी कर सकते हो. ओके, तो इट्स सो इजी. तो आपको ये एक्टिविटी में बहुत अच्छे समझ में आया कैसे हम मर्ज करेंगे. ओके, और सेंटर बटन से सेंटर भी कर सकते हो. क्लिक ऑन सेल A2 एंड टाइप आइटम्स. आप सेल A2, कहाँ है सेल A2? ये है आपका A मतलब कॉलम एंड 2 मतलब रो. नाउ आप A2 में क्लिक करोगे और वहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, आइटम्स. नाउ प्रेस द राइट एरो की. देन यू विल प्रेस राइट एरो की, टाइप मंडे इन B2. देन आप क्या करोगे, राइट एरो की जो आपके कीबोर्ड में होती है उसे आप क्लिक करोगे, तो आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इस वाली जगह पे जिसको आप कहते हो, किस नाम से जानते हो, B2. वहाँ पे आप क्या लिखोगे, मंडे. ऐसे ही आप ट्यूसडे लिखोगे, एंड लाइक वाइज यू कैन एंटर द रेस्ट डेटा. और आप बाकी डेटा भी लिख सकते हो क्या करके, टू मूव वन कॉलम राइट करके ऑप्शन का यूज करके. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नाउ क्लिक ऑन सेल A3, टाइप ई टेबल्स एंड प्रेस द एंटर की. नाउ क्लिक ऑन सेल A3. हम क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं. नाउ यू विल क्लिक ऑन सेल A3. वेयर इज A3? दिस इज द कॉलम एंड A3 ई टेबल. नाउ आपको यहां पे टाइप करना है ई टेबल्स और प्रेस करना है एंटर की. जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका जो सेल पॉइंटर है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, A4 पे. कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, A4 पे. ओके, सो इस तरीके से आपको करना है. नेक्स्ट,
Type cold drink and press down arrow key to move to cell A5 and type milk. Now, आपने एंटर किया था तो आप किस में आ गए थे A4 में. Now, you will again, what you will do here, you will type what? Cold drink. तो अब आप क्या करोगे A4 में? Cold drink को टाइप करोगे. Then, what you will do? Again, आप क्या करोगे? Press down arrow key. फिर आप डाउन एरो की को प्रेस करोगे. कौन सी कीबोर्ड में होती है? ये वाली. देन यू विल टाइप मिल्क और सिमिलरली आप एंटर करते जाओगे. आपको डेटा आप अपना एंटर कर लोगे. ओके, नाउ नोट देखना आपको. इन एक्सेल यू कैन सेव अ वर्कबुक बाय क्लिकिंग ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द सेविंग ऑप्शन और क्लिक ऑन सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. इन द सेवर्स डायलॉग बॉक्स स्पेसिफाई द फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव बटन. नाउ आपको सेव करना आता है एज सच. अगर कैसे करेंगे बताइए. ऑफिस बटन में आप क्लिक करोगे, जो टॉप ऑफ द विंडो होती है मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे. आपको वहाँ से चूज करना है सेव ऑप्शन. क्या चूज करना है आपको? सेव ऑप्शंस. ठीक है, और आप इसको क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू भी सेव कर सकते हो. ठीक है ना. देन यू विल स्पेसिफाई, जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आप अपना फाइल नेम मेंशन करोगे. देन यू विल क्लिक ऑन सेव बटन सिंपली और आपकी फाइल सेव हो जाएगी. ओके, तो इस तरीके से आपको काम करना है. चलते हैं नेक्स्ट. Now, performing calculation. How you will perform a calculation on a worksheet? Excel has a powerful feature to perform calculations on the data. तो Excel के पास बहुत ही सारे powerful features होते हैं जो कि आपको calculation करने में आसानी प्रदान करते हैं. You can perform addition, subtraction, multiplication and divisions of numbers either using formulas or using functions. तो आप यहाँ पर data पर एडिशन भी कर सकते हो डेटा के साथ, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं नंबर का, इधर यूजिंग फॉर्मूलास. आप फॉर्मूलास का यूज़ करके भी कर सकते हो और फंक्शंस का यूज़ करके भी कर सकते हो. चलिए समझते हैं. एंटरिंग सिंपल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला एंटर करके देखते हैं. फॉर्मूलास आर इक्वेशन डेट परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन वैल्यू इन योर वर्कशीट. तो फॉर्मूला एक इक्वेशन की तरह होते हैं जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं आपकी वैल्यूज के ऊपर. वर्कशीट पर जो वैल्यूज मेंशन होती है उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. अब फॉर्मूला स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन. तो फॉर्मूला बार होता कहाँ है? यहाँ पे होता है. आप इक्वल्स टू लिख दीजिए. देन द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज डिस्प्लेड इन द सेल वेयर द फॉर्मूला इज एंटर्ड. अ फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रेफरेंस नंबर ऑपरेटर एंड एक्सेल फंक्शन. तो आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला लिखना है. आप एग्जैक्ट एड्रेस लिखोगे सेल का, कहाँ किस सेल को आपको ऐड करना है. ठीक है, देन आप प्रॉपर नंबर लिखोगे, सेल रेफरेंस दोगे. देन यू विल टेक द एडिशन साइन. क्या ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो? आपको ऐड करना है तो ऐड यूज़ करिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट यूज़ करिए, और आप एक्सेल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से आप एंट्रिंग करके फॉर्मूला निकाल सकते हो. अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस इन H3. तो आपको क्या करना है? इस शीट में टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है H3 में. ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस के लिए आप क्या करोगे? सारी चीज़ों को ऐड करोगे. ठीक, तो आपने क्या किया? टाइप B3. टाइप क्या करना है? इक्वल्स टू लगाओगे आप, फिर लिखोगे B3. तो ये आपका एड्रेस हो गया. देन प्लस अगेन एड्रेस हो गया, इसको भी इसके साथ ऐड करना है. देन D3, इस तरीके से आप एंटर करते जाओगे. तो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? ओके, लेट मी क्लियर अ स्क्रीन. B3, C3, D3, ये सब पूरा सेलेक्ट है. तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करते जाओगे. ओके, नाउ जब आप पूरा ऐड कर लोगे, जहाँ तक आपको ऐड करना है, जिस सेल तक आपको ऐड करना है, इनने G3 तक ऐड किया है, तो मैं भी G3 तक ही ऐड करूंगा, यहाँ तक सैटरडे तक. तो G3 10 दिया है मेरे को लास्ट वैल्यू. ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको ऐड कर लिया है. देन व्हाट यू विल डू? यू विल सिंपली प्रेस द एंटर की. द सम ऑफ द वैल्यूज इन द सेल B3 टू G3 इज कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड इन द सेल H3. जब आप एंटर करोगे तो आपका जो सम है B3 से लेकर G3 तक का कैलकुलेट हो जाएगा और कहाँ पर डिस्प्ले होगा? H3 में डिस्प्ले होगा. ओके, नाउ यू कैन यूज अपर और लोअर केस लेटर वाइल एंटरिंग द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला. तो आप अपर केस लोअर केस किसी भी लेटर्स को यूज कर सकते हो वाइल यू आर एंटरिंग द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला. नाउ
एंड एक्सेल ऑल्सो प्रोवाइड अ क्विकर एंड ईजियर वे ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. तो एक्सेल आपको ईजियर और क्विकर वे, मतलब आप जल्दी से कर सकें और आसानी से कैलकुलेशन करें, इसके लिए भी ऑप्शंस देती है. क्लिक ऑन द ऑटो सम ऑप्शन, तो आप किस में क्लिक करोगे, लेट मी क्लियर है स्क्रीन. तो आप सम करने के लिए यूज़ करोगे ऑटो सम ऑप्शन का. किसका यूज़ करोगे, ऑटो सम बटन का. कहाँ पर प्रेजेंट रहती है ये, फॉर्मूला टैब में मिलेगी आपको. एक्सेल सजेस्ट अ रेंज विच यू कैन ईदर एक्सेप्ट और सेलेक्ट अ डिफरेंट रेंज. तो एक्सेल आपको प्रोवाइड करती है कि आपको रेंज सेलेक्ट करना. रेंज मतलब आपको, जैसे कि लास्ट सेशन में, लास्ट वाले उसमें B3 से G3 तक का एंटर करना था, डेटा ऐड करना था. तो आप क्या करोगे, ये सेल रेंज है आपकी, B3 से G3 तक आपकी क्या है, सेल रेंज है. तो ये आपको मेंशन करने का पड़ेगा. मूव द सेल पॉइंटर इन सेल H4, क्लिक ऑन द ऑटो सम बटन. एक्सेल सजेस्ट द रेंज B4 to G4, प्रेस द एंटर की. नाउ आप क्या करोगे, अपना मेंशन करोगे, ठीक है, मूव द सेल पॉइंटर. आप H4 में अपना पॉइंटर ले जाओगे, देन आप ऑटो सम बटन में क्या करोगे, क्लिक करोगे. वहाँ पे आप सजेस्ट करोगे आपको सम कहाँ तक का चाहिए. अगर आपको B3 से G3 तक का चाहिए तो आप B3 से G3 तक की रेंज डिफाइन करोगे. अगर आपको B4 से G4 तक का डेटा चाहिए तो आप वो रेंज दोगे. देन यू विल प्रेस द एंटर की. द सम ऑफ वैल्यूज इन सेल B4 to G4 इज कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड इन सेल H4. तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो वैल्यूज है B4 से G4 तक की, वो कैलकुलेट हो जाएगी और कहाँ पर डिस्प्ले होगी, H4 में. एक्सेल ऑल्सो हैज, नोट पढ़ना है, नाउ वी विल स्टडी नोट्स. एक्सेल ऑल्सो हैज स्पेशल बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन. इंस्टेड ऑफ टाइपिंग सच अ लॉन्ग फॉर्मूला द सम फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज. एग्जाम्पल सम रेंज B4 to G4 एंड प्रेस द एंटर की. नाउ एक्सेल के पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं. तो आप लॉन्ग फॉर्मूला का यूज करने से अच्छा है द सम फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज. तो आप फंक्शन का यूज कर सकते, देखो फॉर्मूला बार भी यूज कर लिया, पर आपके पास एक ऑप्शन और है, आप फंक्शन का यूज करें. आप टाइप करोगे इक्वल्स टू सम B4 to G4 एंड प्रेस द एंटर की, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, आपको बहुत लॉन्ग फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेंज डिफाइन करनी हो, साथ में सम लिखना है. ठीक है, आप रेंज किस में डिफाइन करोगे, ब्रैकेट में, एंड यू विल सिंपली टाइप इक्वल्स टू सम. तो ये भी इजी वे है, विद द यूज ऑफ फंक्शन यू कैन इजीली ऐड द नंबर्स. इफ अ नंबर ऑफ सेल नीड द सेम फॉर्मूला इट कैन बी कॉपीड एंड पेस्ट ऑन द सेम वर्कशीट. अगर आपकी सेल में क्या कहते हैं, सेम फॉर्मूला लग रहा है ना, सारे सेल को अगर सेम फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन यूज द एवरेज फंक्शन. तो इसी तरीके से आप एवरेज फंक्शन का भी यूज कर सकते हो. एज सच ये हमने अभी थियोरेटिकल पढ़ा है, जब हम इसको प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तो हमको और बेहतर समझ में आएगा. ये तो आज आपका थियोरेटिकल सेशन हो गया, नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसको हम करके सीखने वाले हैं. और आपका हम आज चैप्टर 3 भी एंड करते हैं. एज सच नेक्स्ट सेशन विल बी योर लास्ट सेशन ऑफ चैप्टर 3. हम नेक्स्ट सेशन में लैब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और आपके चैप्टर 3 को भी कंप्लीट करेंगे. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. आपको अगर कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज, यू कैन सिंपली कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर क्वेरीज और डाउट. ओके, सो गाइस, थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.